हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यही दुआ है कि आप सब लोग जहां रहो खुश रहो, मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो, निर्भय रहो। और आज की जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग क्या 2021 के एंड तक आपका सोचा हुआ काम पूरा होगा। आपने जो भी काम सोचा है, आपके घर में शादी हो, बच्चा हो, या फैमिली प्लानिंग, फैमिली और कोई भी चीज, मतलब घर बनाना, ट्रैवल करना, कोई भी चीज जो आपने सोची है, क्या वो 2021 के एंड तक पूरी होगी, होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कैसे होगी। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, ग्रुप नंबर 1 ब्लू, सेकंड रेड। जो कार्ड सबसे ज्यादा अट्रैक्ट लग रहा है आप उस कार्ड को चूज कर सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ये ग्लोब अर्थ चूज किया है, ब्लू कलर का कार्ड चूज किया है, तो सबसे पहली बात, आप लोगों क्या बहुत दूर की प्लानिंग है, मतलब बहुत दूर का देखते हो आप। और कहनी है कि अभी की प्रेजेंट एनर्जी, क्योंकि 2-3 कार्ड बार बार गिरे और वो मुझे दिखा रहे थे आपकी प्रेजेंट एनर्जी, एक्चुअली आपकी लाइफ से में कुछ ऐसा हो रहा है, यू आर फीलिंग चीटेड, किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था। आप लोग अभी शायद कोई ऐसे फियर से गुजर रहे हो जहां पे ना आपकी जो प्लेस थी, आपका जो जगह थी, चाहे वो फैमिली में हुआ, रिलेशनशिप में हुआ, चाहे जॉब में हुआ, वो जगह ना जो लोगों के दिल में थी, वो आपको ना दिल में डर लग रहा है कि यार ये जगह मेरी है या नहीं है, कोई दूसरा और इंसान आके वो जगह पे कब्जा तो नहीं कर रहा आपके साथ। मतलब लाइक मैं ये एक एग्जांपल के तौर पे समझा सकती हूँ, बट आप समझ जाओ क्या चीज है जो जो आपको ना दिल में अंदर ही इनसिक्योरिटी और फियर जो है ना वो पैदा कर रही है, और जिसकी वजह से आप शायद रातों को जगते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो। आपके लिए लाइफ में मूव ऑन करना बहुत ज्यादा टफ हो रहा है। आप लोग अभी एक्सेसिवली सोच रहे हो, ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए तो अच्छा पॉजिटिव कह सकती हूँ कि बुक्स हैं, लर्निंग है, ये सारी चीजें, बट कुछ लोग एक्चुअली किसी इंसान की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। अब ये इंसान वर्क प्लेस पे हो सकता है, जो आपको कहते हैं ना कभी कभी वो कोई इंसान अपनी ज्यादा स्किल्स टैलेंट दिखाता है, कोई ज्यादा शो ऑफ करता है तो सारा लाइमलाइट वो ले जाता है। तो आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई दूसरा पर्सन, कोई दूसरी पर्सनैलिटी, कोई ऐसी चीज है जो मतलब लाइक जिससे आपको थोड़ा सा डर लग रहा है या आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, कोई भी ऐसी चीज। तो एक चीज है, पता है क्या, आपका जो ओरिजिनल नेचर है, यू हैव अ डिवाइन क्वालिटीज, शांति, पीस, फेथ, आप लोग एक्चुअली वैसे हो कि भोले लोग हो, आपको ना ज्यादा लड़ाई झगड़ा आप लोग ऐसे हो ही नहीं आपको ऐसा। बट कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई सामने वाला इंसान, कोई भी है, अब वो कोई भी हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे, आपके रिलेशनशिप में, जिससे ना मतलब हमें हमारे अंदर के जो फियर्स होते हैं, हमारे अंदर के जो डर होते हैं ना, वो सच होते हुए दिखते हैं। तो आप लोगों के लिए अभी यही चीज है कि डियर, आपके जो एक्चुअली ओरिजिनल पर्सनैलिटी है ना, आप उस पे ट्रस्ट रखो, उस पे फेथ रखो। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड, स्पेशली आपके लिए ना, आपने जो भी काम सोचा है ना, हालांकि मैं वो आगे बात करूंगी, बट फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि 2021 के अंत तक लाइक योर लाइफ विल बी गुड। ओके, मतलब जो भी चीजें होंगी वो आपके अच्छे के लिए होंगी। यू आर कनेक्टेड टू यूनिवर्स बिकॉज, क्योंकि ना आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कुछ ऐसी है ना, पीस, फेथ, ट्रस्ट, पेशेंस, ये सब चीजें ना आपके अंदर बहुत ज्यादा है। बट एक चीज है कि हो सकता है कि अभी आपको यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, कैसे एनर्जी वर्क करती है, मतलब इन सब चीजों के बारे में शायद बहुत ज्यादा जानने की इच्छा होती है, आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है कि मतलब लाइक आप कुछ को ना कुछ लर्न करने की इच्छा होती है कि यार मैं ये चीज पढ़ूं, हायर नॉलेज, ठीक है, आप लोगों के लिए हायर नॉलेज, मतलब लाइक ना हायर नॉलेज, वो भी कैसे, मेटाफिजिक्स वाली, अकल्ट साइंस वाली, कि यार ये चीज कैसे काम करती, ये चीज कैसे काम करती, वो जो सारी चीजें होती ना, स्पेशली यूनिवर्स से लेके, यूनिवर्स कैसे काम करता है, वो ना आपके लिए, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है इन सब चीजों में। और एक चीज ये भी है कि मुझे यहां ऐसा लग रहा है कि शायद आप अभी किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी बहुत परेशान हो। कभी कभी होता है ना कि हम तो अपने सीधे रास्ते चलते हैं, बट कोई तीसरा इंसान आके ना हमें बार बार दिखाता है ये मत करो, वो मत करो, वो बहुत जो सारी चीजें होती ना, तो अभी आपके दिमाग में
ये टेंशन है किसी तीसरे आदमी की वजह से टेंशन है, स्पेशली कोई ऐसा आदमी या औरत कोई भी हो सकता है जो एक्चुअली ना हाईलाइट में आना चाहता है, जो एक्चुअली कहते हैं ना आपको आपसे ना कंपैरिजन बहुत कर रहा है, आपसे बहुत ज्यादा कंपैरिजन कर रहा है और वो आपसे कंपैरिजन या कंपटीशन होता है ना वो आपसे कर रहा है और वो खुद मतलब अपने आप को दिखाना चाहता है, ये चीज दिख रही है मुझे। तो आप लोग अभी शायद बहुत ज्यादा परेशान हो। ओके तो चलो अब आते हैं मेन बात पे। क्या आपका सोचा हुआ काम, जो भी आपने काम सोचा है, क्या वो काम कंप्लीट होगा 2021 के एंड तक? तो आंसर इज यस, और बहुत स्ट्रांग यस है, अ बिग सक्सेस है। ठीक है, और वो भी पता है क्यों? जस्ट बिकॉज आप लोग एक्चुअली ऐसे लोग हो जो मैंने कहा ना आप लोग यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, और स्पेशली आप में से मुझे बहुत सारे लोग एक्वेरियस दिख रहे हैं। भले ही आप एक्वेरियस ना हो बट आपके कुंभ राशि में बहुत ग्रह भी हो सकते हैं, बर्थ चार्ट में ग्रह हो सकते हैं। तो और इवन ना हो तब भी एक्वेरियस कैसे होते हैं ना, मतलब लाइक अगर उनकी एक मेंटालिटी की बात करूं वो कुछ ऐसी होती है कि वो सबका सोचते हैं, वो सिर्फ एक पर्सन का नहीं सोचते हैं, वो सबके साथ इक्वल जो बिहेव करते हैं ना वो चीजें दिखती है। तो आपका जो भी काम है ना, मैं अभी काम की भी बात करूंगी, आपका जो भी काम है ये काम 100% मतलब मुझे तो यहाँ बहुत ज्यादा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग चांसेस हैं। और एक चीज और है कि आपकी ना हीलिंग की प्रोसेस चल रही है, आप लोग अभी जिस भी प्रोसेस से गुजर रहे हो यहाँ पे हो सकता है कि आप का ना कुछ हीलिंग वाला कुछ काम या हीलिंग प्रोसेस। अब कितनी बार हम नॉर्मल लाइफ में भी हमें पता नहीं होता कि यार हमारी हीलिंग हो रही नहीं हो रही, बट नोइंगली अनोइंगली आपकी हीलिंग हो रही है। ओके अच्छा अब बात करते हैं आपके काम की, आपकी क्या विश है, आप क्या चाहते हो? तो देखो बहुत सारे लोग जो अनमैरिड है उनके लिए मुझे मैरिज दिख रही है। ओके मैरिज, और जो लोग मैरिड है और यंग कपल्स है उनके लिए बेबी, मतलब फैमिली एक्सपैंड। ठीक है, फैमिली को लेके कुछ भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम, फैमिली और बच्चे और इवन घर सेटल करना, घर बनाना, वो जो सारी चीजें होती है ना वो। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग ओके बहुत सारे लोग नहीं बट हाँ कुछ कुछ लोग तो ट्रैवलिंग दिख रहा है। आप लोग शायद कहीं एक सिचुएशन में स्टक हो और आप उस चीज का एंड चाहते हो और आप उस चीज से निकलना चाहते हो, और ये कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी दिख रहा है। पता है क्या, आप लोग एक्चुअली अपने एक अच्छे टाइम का वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे टाइम का, मतलब आप लोगों के दिल से ना मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप लोग अपने टाइम का वेट कर रहे हो। ओके मतलब कभी होता है ना हम शाइन नहीं करते और सामने वाला इंसान शाइन करता है, तो आप लोग एक्चुअली उस टाइम का वेट कर रहे हो कि आप शाइन करोगे। ओके एंड एक चीज आपके लिए पता है क्या एडवाइस है, आपके लिए एक ये एडवाइस है, अगर कोई ऐसी चीज जिसमें आप स्टक हो, ठीक है, चाहे वो जॉब हो गया, चाहे अब मैं यार रिलेशनशिप को लेके बहुत रिस्की हो जाता है बट फिर भी कोई भी ऐसी चीज जो मतलब लाइक ना जो आपकी एनर्जी सक कर रही है और जो आप छोड़ नहीं रहे हो, मतलब यहाँ पे ना एक्चुअली एक चीज आ रही है कि अगर आप चाहते हो ना आपका काम कंप्लीट हो, आप जो भी चीज चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ तो मैंने कुछ काम ही बोले, अगर ये जॉब से भी रिलेटेड हुआ कोई भी काम, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी बताता है, तो आपकी जैसी भी एनर्जी है अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग चांसेस दिख रहे हैं कि आपका काम होगा। बट आपके लिए एक एडवाइस है कि आप एक्चुअली अगर कोई भी काम जिसको आपको छोड़ना चाहिए, जहां पे आप फंसे हुए हो या आप उसको पकड़ के बैठे हो, तो उस चीज को छोड़ दो। कभी कभी होता है ना हम प्राइड में या मतलब कहते हैं ना ईगो में आके ना वो काम नहीं छोड़ते, बहुत चिपके रहते हैं कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा काम। या कभी कभी होता है कि आपका जॉब अच्छा है, पैसा दे रहा है, बट कोई और बड़ा जॉब आपका वेट कर रहा है, बट आप उस जॉब से निकलने का भी विचार नहीं कर रहे हो। तो कोई ऐसी चीज जो एक्चुअली आप जो आपकी एनर्जी खा रही है और वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आपके लिए एक्चुअली ये एडवाइस है कि आपको उस चीज को छोड़ दो और नई चीज के बारे में सोचो। अब छोड़ना कैसे, हाँ रिस्क है ये, बट फिर भी आप अपने लिए कोई नया चीज करो, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यार रिजेक्ट
कर देना चाहिए आपको, आप वो आपकी चीज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, बट आप उसको नहीं छोड़ रहे हो, तो आपको उसको छोड़ना है. ओके, कभी कभी होता है ना, कुछ चीजें हमारे लिए होती है और कुछ चीजें हमारे लिए नहीं होती. तो आपको ये समझना है कि आपके लिए कुछ चीजें, कुछ इंसान, कुछ रिलेशनशिप नहीं है और आपको उसको बाय बाय कहना है. 2020 मतलब लाइक पिछले एक डेढ़ साल आपके जो भी गए वो बहुत ही ऐसे गए, स्टेशनरी मतलब लाइक कुछ हैपनिंग नहीं हुआ. आप जॉब कर रहे थे, आपका जो डेली काम चल रहा था ना बस वही था. मतलब आपने कोई चेंजेस नहीं आए आपकी लाइफ में पिछले एक डेढ़ साल में, आप स्टक हो. मतलब लाइक ना कहते ना रेगुलर 9 to 5 वाली जॉब में स्टक हो जाते हैं हम, वही एक जैसी लाइफ रोज जीते हैं, या कोई भी ऐसी चीज मतलब चेंज नहीं दिख रहा है मुझे आपके पिछले डेढ़ साल में. और आप अभी एक्चुअली वेट कर रहे हो कुछ लोग शायद मनी, कोई बिग अपॉर्चुनिटी, बिग बड़ा कोई अच्छा जॉब, ठीक है, और कुछ लोग शायद शादी और कोई भी ऐसी चीज, मतलब घर पैसा गाड़ी घोड़ा मकान, ये जो भी सारी चीजें, या किसी इंसान से प्रपोजल का वेट कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज आप अभी एक्चुअली वेट कर रहे हो. और अगर पता है कार्ड्स के अकॉर्डिंग बात करो ना, तो 2021 के एंड तक बहुत सारे लोगों को जो भी वो चीज चाह रहे हैं, स्पेशली कोई प्रपोजल चाह रहे, किसी इंसान से कोई ऑफर चाह रहे, कोई इंसान उनसे बात करे, कोई भी ऐसी चीज, मतलब कोई भी किसी चीज से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो काम मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है, मुझे एक सक्सेस दिख रही है. और अगर आप चाहते हो कि 2021 के एंड तक आपका काम अच्छे से हो जाए, तो एक चीज है कि आपको ना थोड़ा सा अपना सोशल ग्रुप बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी चीजें एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी, चाहे वो जैसी भी है, यू हैव टू एक्सप्रेस इट. बट अगर आप खामोश रहे, अगर आपने कुछ भी नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे डाउट दिख रहा है. और मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ये बहुत सारे लोग नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देर इज अ सम वुमेन जो शायद इस काम को हिंडर कर रही है और वो काम को पूरा होने में मुश्किलें कर रही है, ये चीज भी मुझे दिख रही है. अगर 2021 अंत तक के लिए भी अगर मैं कार्ड की बात करूँ ना, तो 6 ऑफ वांड्स का कार्ड था, बट हाँ सारे लोगों के लिए रेजोनेट नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए 50-50 चांसेस हैं. बिकॉज पता है क्या, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है ना अभी भी एक सैडनेस, एक डिप्रेशन, एक चिंता, एक भय, एक सीक्रेट फियर जो कहते हैं ना, फियर ऑफ एनिमी, कोई भी ऐसी चीज, इन सब चीजों से गुजर रहे हो. तो अगर आप लोग उस एनर्जी में और आप चाहते हो आपका टाइम चेंज हो, तो आप खुश रहो. ओके, खुश रहो, हैप्पी रहो. किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या कम हो रहा है, होने दो. आपकी लाइफ में भी आपका एक अच्छा टाइम मुझे आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली 2021 के में जब भी जुपिटर ट्रांजिट करेगा. देखो नवंबर में ट्रांजिट कर रहा है, ओके, साल के एंड में 2021 के, और ये अप्रैल वाले टाइम में, तब ये दो टाइम में मुझे आपकी लाइफ में कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है. अगर आप चाहते हो आपका ड्रीम जो है, आपका सोचा हुआ काम जो है, ठीक है, वो पूरा हो, तो वन थिंग, कभी कभी हमें लोगों से, मतलब फेवर तो मैं नहीं कहूंगी, बट हमें ना आगे चल के बात करनी होती है, हमें आगे बढ़ के बात करनी होती है, हमें आगे बढ़ के मसला सॉर्ट आउट करना पड़ता है. तो आप लोगों के लिए एक्चुअली ना यही गाइडेंस है कि अगर आप उस वाले जोन में हो कि यार मैं किसी से बातचीत नहीं करूंगी, मतलब अगर जैसे आपको जॉब चाहिए तो आपको आपके कॉन्टैक्ट्स लगाने पड़ेंगे, अगर आपको किसी से भी काम निकलवाना है तो आपको थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा सा प्यार से बात करनी ही पड़ेगी, ये आपके काम का पार्ट है. तो आप लोगों के लिए एक्चुअली ना यही एडवाइस है कि अगर आप एक मोड में हो ना कि यार मैं आगे चल के बात नहीं करूंगी, या मतलब मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, कर रही हूं तो ठीक हूं, नो, अगर आप चेंज चाहते हो ना आपकी लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा उन लोगों से जिनसे आपका काम बन सकता है, जिनसे आपका फेवर, मतलब जिनसे आपकी ना ड्रीम्स पूरे हो सके, तो थोड़ा सा आपको फेवर के लिए बोलना पड़ेगा. मतलब ये रेड कार्ड चूज किया है, तो अगर मैं बात करूं कि क्या 2021 के एंड तक आपका सोचा हुआ काम पूरा होगा या नहीं, तो सी दीज ग्रुप टू पीपल आप लोगों के लिए एक्चुअली एक यूनिवर्स ना टेस्ट कर रहा है. आपने जो चीजें सोची थी ना कि मेरा इस टाइम तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो मुझे वहां पर ना टाइम में डिले दिख रहा है.
आपका काम तो कंप्लीट होगा, बट जो चीज आपने सोची थी कि यार इस टाइम तक हो जाना चाहिए, वहां पे मुझे डाउट दिख रहा है। और पता है क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का सैटर्न जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, और सैटर्न स्ट्रांग है या आप में से बहुत सारे लोग शनि की साढ़े साती ढैया या कोई शनि की दशा महादशा या कुछ सैटर्न का प्रभाव कुछ ज्यादा है, तो आपके लिए मुझे थोड़ा सा डिले दिख रहा है, बट होगा जरूर। पता है क्यों? सी, फाइव ऑफ कप्स के बाद सिक्स ऑफ वॉन्ड, मतलब डिले, निराशा, सैडनेस, इसके बाद एकदम से बढ़िया सक्सेस और चीजें बेटर होंगी। 2021 तक चीजें बेटर होंगी, एंड तक चीजें बेटर होंगी। बट अभी पता है कैसा टाइम है, जैसे जब खेत में जो फसल उगाते हैं ना, तो फसल आने का एक टाइम होता है, पहले तो हम बोते हैं और फिर वाटर देते हैं, तो आपके लिए एक्चुअली वो टाइम है। आपने सब बो दिया है, ठीक है, आपने सीड्स सब डाल दिए, बट एक्चुअली जो टाइम है आपका ये प्रोसेसिंग वाला टाइम है, ये मेहनत वाला टाइम है, ये आपके सपनों के लिए आपको मेहनत करते ना वो वाला टाइम है, आपको लगे रहना है। आपके आपका एक्चुअली ऐसा टेस्ट चल रहा है कि आपको जितना आप डटे रहोगे ना, जितना आप कोशिश करते रहोगे, मुझे यहाँ पे आपके लिए सक्सेस दिख रहा है, स्पेशली एंड में, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, सैटर्न डिलेज बट नेवर डिनाइज, तो आप लोगों के लिए एक्चुअली ये। और ना एक और चीज बात करती हूँ, एक्चुअली आप हो तो खुश रहने वाली पर्सनालिटी, बहुत खुश रहते हो, बट अभी शायद आपकी कहते ना आपको ना हीलिंग, आपकी शायद आपका हेल्थ वाइज थोड़ा सा सफर कर रहा है, मुझे आपकी हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं। और एक कहते ना रेस्ट, कंफर्ट, और एक अपने ओरिजिनल सेंटर पोजीशन में आराम से बैठे हैं, शांति से, एक अच्छे से बढ़िया घर में, कुछ चीजें हैं जो आपके आपको नहीं मिली, स्पेशली वीनस लग्जरी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे आपके लिए कुछ चीजें दिख रही है। या ये भी हो सकता है कि आप के पास हो पैसा, बट आपको काम नॉर्मल लोगों के कंपेयर में ज्यादा करना पड़ रहा है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, आपके ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ना आपकी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं सफर कर रही है। और आप अभी भी ना बहुत हिम्मत बनाए हुए हो, पता है क्या, यूं तो आप सब कुछ आपके अंदर सही, आप खुश रहते हो और आप लोग शायद परमात्मा से जुड़े भी हो, बट अभी आपकी जो कहते हैं ना पीस, हेल्थ, और आप में से कुछ लोग शायद बेबी, बच्चा, बट कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, मदरली जो इंस्टिंक्ट होता है ना, कभी कभी कैसे होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल रेस्टेड दिखते, पीस में दिखते, शांति में दिखते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है, एक अलग ही चमक होती है। तो आप लोग अभी शायद स्ट्रगल कर रहे हो अपनी अच्छी हेल्थ बैक पाने में, या मदर माँ बनने में, या कोई लग्जरी वाला जो कंफर्ट होता है ना, कोई गाड़ी घोड़ा मकान, कोई भी ऐसी चीज, उसमें आप एक्चुअली कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो। बट आप लोगों के लिए ना मुझे चीजें अच्छी होती हुई दिख रही है, स्पेशली 2022 में दिख रही है। 2022 में जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा, आप लोगों के लिए मुझे एक बहुत बड़ी सक्सेस दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, कोई बढ़िया सी जॉब जाना चाहते हैं, वहां मुझे सक्सेस दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोग जिनका कोई ऐसा काम है थर्ड हाउस से रिलेटेड, पढ़ना, पढ़ाना, बोलना, ठीक है, कुकिंग, हैंड्स क्राफ्ट, और वो जो भी होते हैं ना सारे आर्टिस्ट और ड्रेसेस डिजाइन, एनीथिंग, कोई भी ना लुक्स को देख, डांसिंग, कोई भी क्रिएटिविटी वाला जो भी काम होता है, कोई भी ऐसी चीज जो आप सब चाहते हो, और आप में से बहुत सारे लोग शायद कहीं ट्रैवल भी हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग, पता है क्या, अभी एक्चुअली मैं अगर आपको बात कहूँ ना, तो आपका आप लोग ऐसी सोच हो जो आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग अभी तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रगल है। और एक चीज और, टेक अ गुड रेस्ट, आप अपनी बॉडी को अच्छा रेस्ट दो। आप अपनी आपके लिए बार बार ऐसी एडवाइस आ रही है कि अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हो तो हायर समवन, कोई हेल्प करने के लिए आप किसी को हायर करो। यू आर वर्किंग अलॉट, आप चाहते हो कि आपका कोई हेल्प कर दे या आपकी जिम्मेदारियां बांट दे, तो ये चीज करो। मतलब मुझे आपकी जो भी विश है ना वो तब फुलफिल होंगी जब आपके ऊपर से काम का बोझ जो है ना वो कम होगा, काम का बोझ कम होगा, कोई थर्ड पार्टी
मतलब कोई तीसरा इंसान जिससे, जो आपका फ्रेंड हो, जो आपका वेल विशर हो, वो आपका थोड़ा काम कर ले, तब मुझे यहाँ दिख रहा है। आप लोगों की एक्चुअली बहुत ज्यादा थक गए हो आप। ओके, सो यू नीड अ रेस्ट, अ गुड रेस्ट। और एक चीज और, अगर आप मतलब ना राइट लिखते नहीं हो कुछ, तो स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग समथिंग। अगर आप कुछ अच्छा म्यूजिक नहीं सुनते हो, लिसनिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें, रीडिंग, आप लोगों के लिए एक्चुअली ये चीज आ रही है कि भले ही आपके लिए जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो चीज नहीं हुई, बट आप अभी अपनी एनर्जी अच्छी चीजों में लगाओ, अपने आप को ऑक्यूपाई करो, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, चाहे कुकिंग हो गया, चाहे क्लीनिंग और राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, कोई भी ऐसी चीज, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड लिस्ट कहते ना। और सी, यहाँ पे ना बटरफ्लाई का सिंबल है, और बटरफ्लाई आपको पता है ना, वो कोकून से निकलती है। तो एक्चुअली आपका अभी वो कोकून वाला टाइम चल रहा है, बट यस, जैसे ही बटरफ्लाई आएगी ना, तो आपका एक्चुअली में टाइम आएगा। ओके, और एक चीज और, पता है क्या, पिछले 1.5 साल तो मुझे आप लोगों के लिए अच्छे लगे, मतलब लाइक 2020 से लेके ना अभी तक कुछ आपकी लाइफ में हैपनिंग हुआ है, कुछ ऐसी अच्छी चीज हुई है जो आपने, आपको अच्छा रिजल्ट मिला है, कि आपके किसी काम का अच्छा रिजल्ट मिला है, बट अभी आप एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो। कितनी बार ऐसा होता है ना कि यार हम किसी किसी चीजों पे ना सेम ओपिनियन रखते हैं, कुछ चेंज नहीं करते, तो आप लोग अपनी लाइफ में चेंज के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, बट आप लाइफ ही है आपका जो टेस्ट ले रही है, वो आपको ना बिल्कुल एक कड़ा टेस्ट ले रही है, आपको कहते हैं ना, जिसके बिल्कुल घर में बांध दिया है, और अभी आपका घर में बांध दिया है, या आप स्टक हो गए हो, और आप बहुत हाथ पैर मार रहे हो कि यार मैं निकलूं यहां से, कि कुछ तो चेंज हो, मेरे को लोगों से मिलना है, मुझे ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, कोई भी ऐसी चीज, तो आप स्ट्रगल कर रहे हो। बट एक चीज है, 2021 के एंड तक आप लोग वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आओगे, वापस से अपने ओरिजिनल हेल्थ, ओरिजिनल मतलब लाइक पैसा, जो भी सारी चीजें ना आप चाहते हो, सारा सब चीजें आपकी मुझे अच्छी होती हुई दिख रही है। 2021 के एंड में मुझे पैसा अच्छा आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, आप लोगों के अंदर फिर से एनर्जी होगी कि आप फिर से अच्छे से काम करो, फिर से एक्शन लो। अभी आपके अंदर मुझे एनर्जी थोड़ी सी कम दिख रही है, बट यस, 2021 के एंड तक यू विल बी बैक इन दैट ग्रेट एनर्जी, जो पहले जैसे थे ना आप, जैसे पिछले जो 1.5 साल में जो जो हैपनिंग चीजें हुई, फिर से आपकी लाइफ में वो चीजें हो रही है। और 2022 में स्पेशली जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा, मुझे आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है, मेजर बिग सक्सेस आती हुई दिख रही है। तो 2021 थोड़ा सा और निकाल लो, थोड़ा सा और कर लो, भगवान आपको स्ट्रेंथ दे, आपको शक्ति दे। ओके, सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।